जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से भारतीय जनता पार्टी जो 10 सदस्यों से शुरू हुई थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और इसके साथियों का शासन है और केंद्र में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, ये जो हत्याएं होती है उनके परिवारजनों को मैं मिला, किसी के 2 साल का बच्चा है, किसी के 6 माह का बच्चा है, किसी की अभी शादी करना बाकी है, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, कार्यालय जलाए जाते हैं, कार्यालय पर बम फेंके जाते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोगों पर हमले होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चुप है। मैं मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहूंगा, हिंसा हिंसा होती है, जब कम्युनिस्ट हिंसा करते हैं तो हिंसा हिंसा ही रहती है। आप लोगों ने भी ये हिंसा को देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया और मैं आज इस मंच पर से ह्यूमन राइट के चैंपियन छोटी छोटी चीजों में मोमबत्ती लेकर जो निकल पड़ते हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूं, मेरी पार्टी के 12 कार्यकर्ता दिन दहाड़े मार दिए गए, क्यों आपका हिंसा के प्रति आक्रोश उजागर नहीं होता? हमने कभी आपको मोमबत्ती देकर लेकर ये लाल भाइयों के खिलाफ क्यों नहीं देखते? सिलेक्टिव विरोध आपको एक्सपोज कर गया है कि आपका विरोध हिंसा का नहीं है। अगर हिंसा के लिए विरोध होता तो कम्युनिस्ट हिंसा के खिलाफ भी आप प्रदर्शन करते। अगर एक भी बंदा इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर आज तक नहीं निकला है हमारे 12 कार्यकर्ताओं के लिए। मित्रों, मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि केरल में हमारे जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं हमारी पार्टी के विस्तार के लिए, इतने अत्याचार के बाद भी फैल रहे हैं, मेरा आप सभी को निवेदन है, पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी केरल के शहीद के परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे और अपने आप को वो परिवारों के साथ जोड़े। देश भर में एक कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा के खिलाफ इतनी जन जागृति करे कि जनता के दबाव में उनको हिंसा बंद करनी पड़े। मैं जनता के दबाव में इसलिए कह रहा हूं कि वो वैसे तो हिंसा बंद करने वाले नहीं है, उनका चरित्र ही हिंसा से राजनीति करने का है। राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला देश में 3 राज्यों में चलता है, बंगाल में चलता है, त्रिपुरा में चलता है और केरल में चलता है। महज एक कोइंसिडेंट नहीं है कि तीनों जगह वामपंथी लंबे समय तक शासन में रहे हैं। जहां जहां वामपंथी शासन में रहे हैं वहां की राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने हिंसा की राजनीतिक संस्कृति बनाया है और भारतीय जनता पार्टी चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे बंगाल हो, ये हिंसा की राजनीति का डट कर मुकाबला करेगी। आज हजारों की संख्या में आप सब यहीं आए हैं, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आप जो पैदल मार्च करोगे हमारे शहीद परिवारों का हौसला बढ़ाने का काम करोगे, केरल के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम। और देश भर में जो जन सुरक्षा यात्रा चली है वो जन सुरक्षा यात्रा को मैं रोज मॉनिटर करता हूँ। मित्रों, 8000 कार्यकर्ता, 10000 कार्यकर्ता, 22000 कार्यकर्ता 10-10 किलोमीटर केरल में पैरोल पैदल चलते हैं।
और जो जनाग्रह केरल में खड़ा हो रहा है, मुझे भरोसा है जनता का ये दबाव उनको शांत करने के लिए काफी है। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा का जवाब हिंसा से दिए बगैर हम सत्याग्रह कर उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। और आज इस मौके पर जो 12 कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, आप सबकी ओर से वो 12 हुतात्माओं की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ। और हम सब करोड़ों कार्यकर्ता केरल के हमारे जो कार्यकर्ता है इसके साथ खड़े हैं, इसकी ढाढ़स बनाकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ ही दिन में कुछ ही समय में यहाँ से मैं पैदल यात्रा को शुरू कराऊंगा। मेरा आप सबको अनुरोध है, आपका लगाया हुआ एक एक तारा इस शहीद हुतात्माओं की आत्मा को संतुष्ट और संतृप्त करने वाला रहेगा। आप सब शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा को अपने गंतव्य स्थान पर ले जाइए और अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए विरोध दर्ज कराइए। इतनी ही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे।